नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा 365 दिन भारतीय जनता पार्टी सभी बड़े नेताओं को बिहार बुला लेगी, मेरा रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। भाजपा का 400 का नारा पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया, दक्षिण बिहार में पहले फेज में ही खत्म हो गया। प्रथम फेज की चारों सीट बड़ी माध्यम से हम लोग जीतने जा रहे हैं, इस बार बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा, बिहार की जनता संविधान बदलने वाले को सबक सिखाएगी। कहा नीतीश कुमार के अगल बगल में जो 4-5 लोग हैं उन्होंने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, हम इसका खुलासा करेंगे, हम नीतीश कुमार की चिंता करते हैं, उन्होंने जो हम पर बोला है कि वह उनका आशीर्वाद है, हम जब उनके साथ थे तब बेटे के रूप में थे, वह हमारे पिता तुल्य है, लेकिन यह संस्कृत में भी नहीं है कि किस तरह की बात बोले। हम रांची जा रहे हैं, कल्पना सोरेन जी से ने हमें बुलाया है। मतदान कम होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी लोगों को निकल के मतदान करना चाहिए और बदलाव के लिए वोट करना चाहिए, मतदान करे जो आपके लिए काम करे, बकवास नहीं करे, झूठ बोलने वाले के लिए मतदान ना करे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैक फुट पर चली गई है, इस बार के चुनाव में स्थानीय मुद्दा हावी है, भाजपा नेता 14 का बोला हुआ काम किया ना 19 का बोला हुआ काम किया। पूर्णिया के चुनाव पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, हम चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, किसी पर टीका टिप्पणी करने नहीं जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के बाद महबूब अली कैसर ने भी बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा हम घर वापसी कर रहे हैं और हमें काफ़ी खुशी हो रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की और कहा कि इन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। उन्होंने कहा कि लालू जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी जी की आर्थिक न्याय दोनों मिलकर बिहार को तरक्की करेगा। कहा कि चाचा भतीजा के बीच विवाद हुआ, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं था, चिराग पासवान जी ने हमारे साथ गद्दारी की है। और पता नहीं हम कहां से शुरू करें, क्योंकि बीजेपी का एक स्लोगन है घर वापसी, लेकिन आज हमको घर वापसी करके जितनी खुशी मिल रही है, हम समझते हैं कि क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 1995 में पहली बार हम एमएलए कांग्रेस से जीत करके आए थे, और उस टाइम में जनता दल और कांग्रेस हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे, जीत करके हम आए थे। और उस दिन से जो आदरणीय लालू जी का जो बड़ा दिल, जो बड़ापन है, जो खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया, उस दिन को आज तक हम जहाँ जाते हैं दोहराते हैं, और लगातार उनके तो आदरणीय राबी जी के मंत्रालय में हम मंत्री भी थे, 2000 में तो हम लोग का अलायंस ही हो गया था, हम लोग सब एक साथ मंत्री थे, और जिस तरह का उदारता आदरणीय लालू जी का रहा है और जितना प्यार स्नेह वो हम लोगों के दिए हैं, आज सही माने में मेरी घर वापसी हुई है, इसके लिए हम लोग बहुत ही दिली खुशी हुई। आदरणीय तेजस्वी जी का जब डिप्टी मुख्यमंत्री थे तो इनका जो दौर रहा 17-18 महीना का, उसमें इनका कारनामा हम लोग सबको देखने मिला, पूरे बिहार को देखने, पूरे हिंदुस्तान को देखने मिला। 5 लाख नौकरी, 10 लाख का इनका वादा था जब ये मुख्यमंत्री बनते, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री में 5 लाख 17 महीना में उन्होंने दिया, इतना बड़ा अचीवमेंट हम सोचते बिहार में आज तक कभी हुआ नहीं था। तेजस्वी जी का भी बहुत ही जबरदस्त फैन है, क्योंकि बिहार को जो उत्थान का काम इन्होंने किया है उसमें कहीं से कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए, और नौजवान है, इनका जो फ्यूचर है उसमें हम लोग का भी जरा साथ रहे, इनका साथ दें, इनकी पार्टी को हम लोग मजबूत करें, तो अपनी पार्टी बोलेंगे, अपनी पार्टी मजबूत करें, तो ये हम लोग का दायित्व होता है, हमको बहुत खुशी है आज। और आदरणीय लालू जी का तो सामाजिक न्याय था, इनका आर्थिक न्याय, ये दोनों मिलकर के जो बिहार आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, तो हम लोग सब उसके चश्मदीद गवाह होंगे, उसमें मेरा भी जरा सा हिस्सा होगा तो उनको बहुत खुशी होगी। अब जरा सी बात हम करें कि हम इंडिया में थे, अभी भी हम आज के दिन में भी शायद एक सभी तक नहीं हुए हैं, 1.5 महीना में हो जाएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला, और हमको ये समझ ही नहीं आया कि टिकट क्यों नहीं मिला। हम जब तक एनडीए में थे, लोजपा में थे, बड़े ईमानदारी से थे, सब काम हमने पार्टी के लिए किया, जो पार्टी के पॉलिसी थी उसके हमने उसकी इताअत की, उसके साथ रहे। अब देखिए लगातार 10 साल से तेजस्वी जी ने गंगा
जमनी तहजीब का जिक्र किया तो हमको भी याद आ गया कि 10 साल में लगातार एक ही मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एनडीए में जीत कर करके गया इलेक्टोरल वोट से, और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया, और न जनता दल यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। तो हमको लगता है कि इन लोग को, हम लोगों की वोट की जरूरत ही नहीं है। और ये भी इल्जाम लगाते हुए कि हम लोगों ने गद्दारी किया, क्या गद्दारी किया? गद्दारी यही था कि पार्टी में थोड़ा रिफ्ट हुआ था। जिस प्रकार से हमारे संविधान को, लोकतंत्र को, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस वक्त में कैसर साहब का ये निर्णय जो है देश हित में है, बिहार के हित में है, लोकतंत्र देश का संविधान को बचाने के हित में। हमने पहले भी कहा कि दो खेमा है, एक तरफ लोग कलम बांटना चाहते हैं और दूसरे तरफ तलवार बांटते हैं, और जो भाजपा के लोग नारे लगाते थे कि इस बार 400 पार हो जाएगा, जो उनका 400 का जो फिल्म है पहले दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया। ये जो दक्षिण भारत से जो हवा चली है वहां खत्म हो गई, और दक्षिण बिहार में भी पहले फेज में ये खत्म हो गया, चाहे नवादा हो, औरंगाबाद हो, जमुई हो, गया हो, ये चारों सीट जो है हमारा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन मजबूती से हम लोग जो है बड़ी मार्जिन से खासतौर पर हम लोग ये जीतेंगे। ये हम लोगों का विश्वास है कि जो हम लोगों को रिपोर्ट्स आए हैं उसके आधार पर, और आने वाला जो चुनाव जो है, जो बाकी के 6 फेज, हमने बार बार कहा है कि बिहार जो है चौंकाने वाला जो है रिजल्ट इस बार देगा, और मजबूती के साथ बिहार में महागठबंधन मेजॉरिटी सीट्स के साथ हम लोग यहाँ आएंगे, और सत्ता में जो लोग काबिज है, जो तानाशाही चल रही है, जिनके नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, उनको सबक सिखाएगी बिहार की जनता। तो कैसर साहब ने जो निर्णय लिया, हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता और देश की जनता में एक संदेश गया है कि दो विचारधारा है, और दो विचारधारा, एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग और एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग। तो आज जो निर्णय इन्होंने लिया तो काफी निडर निर्णय है, और काफी अहम घड़ी में ये निर्णय लिया गया, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके निर्णय से पूरे देश में और राज्य में जो संदेश जाएगा वो देश बचाने के। ज्यादा कुछ ना कहते हुए